शुरू करते हैं कि आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। इसमें हम मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन या एड्रेस है, इसमें हम जो न्यूमेरिकल इसके पहले कराते हैं उसी बेस पर ये भी आपका न्यूमेरिकल है। चलिए, ये न्यूमेरिकल आपके कम्पिटिशन एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल करने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ये डिफिशन या एडर है, वो क्या करेंगे यहाँ पे हम डिफिशन या एडर के पहले क्या करेंगे, उसके लिए सर्किट डायग्राम बना लेंगे। ये क्या कैसे बनता है आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फोर्थ न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, डिफिशन जनरेटर 250 वोल्ट पर 5 किलो वाट एडिटर प्रदान करता है, यानी कितना है 250 वोल्ट। उसका आउटपुट वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, और आउटपुट पावर कितनी है, ये लिखा हुआ है कि 5 किलो वाट। कितना दे रहा है आपको, 5 किलो वाट आपको आउटपुट ये दे रहा है। अब क्या कह रहा है कि ये एडिशन फील्ड एंड आर्मेचर फील्ड के रजिस्टर क्रमशः 125 ओम और 1 ओम है, सबका मान रख लीजिए। ये आपका हो गया शंट फील्ड, RF और RA का मान कितना है आपको यहाँ पर देख लीजिए, 1 ओम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या पूछा है, जनरेटर द्वारा जनरेटेड EMF को कैलकुलेट करिए, हमको क्या निकालना है, EA निकालना है। तो बस क्या करना है, EA निकालने के लिए बस क्या करिए, यहाँ पे आप KVL लगा दीजिए। KVL क्या हो गया, EA माइनस IARA, ठीक है, माइनस VL बराबर 0। तो यहाँ से आप EA बराबर क्या हो जाएगा, EA बराबर हो गया IARA प्लस VL हो गया। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मतलब हमको आर ए पता है 1 ओम है, बी ए पता है, बी एल पता है कितना है 250 वोल्ट है, परंतु हमको आई ए का मान नहीं पता। देखिए आई ए का मान यही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आई ए बराबर क्या होगा, आई ए बराबर हो जाएगा आपका आई एफ प्लस आई ए। यहाँ पे आप नोड, इस नोड पे आप क्या लगा दीजिए, केसीएल लगा दीजिए, आई ए बराबर क्या होगा, आई ए प्लस आई एल लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करना है, हमको निकालना है आई एफ का मान। आई एफ बराबर क्या होगा, सभी लोग को बता चुके हैं, बी एल बराबर बी एल अपान आर एफ होता है। देखिए पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज बराबर, बी एल बराबर आर एफ, जो वोल्टेज 250 वोल्ट यहाँ होगा वही वोल्टेज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बी एल का मान कितना है 250 है, और आर एफ का मान कितना है 125 है, तो फिर कितना हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 250 अपॉन 125 के पांच से 2 एम्पीयर हो गया। अब हम क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कि आई एल का मान निकालना है। देखिए पावर आपको दिया गया है, पावर पी बराबर क्या होता है, वी आई, ठीक है, क्योंकि पी पी एल बराबर क्या होता है, वी एल इंटू आई एल, ये लोड पे पावर निकालना है, इसका फॉर्मूला ये है। तो यहाँ से धारा का मान निकाल लेंगे, धारा का मान क्या होगा, आई एल बराबर पी एल अपॉन वी एल, पी एल कितना है 5 किलो वाट दिया गया है, ठीक है, ये सभी लोगों को पता है दिया गया कितना 250 वोल्ट, 5 किलो वाट का मतलब कितना है 5000 वोल्ट हो गया, ठीक है, 5000 वोल्ट 250 वोल्ट हो गया, तो 25 होगी 50, ये कितना आ गया 20 एम्पीयर आ गया, आई ए बराबर 20 एम्पीयर आ गया। तो यहाँ से हम क्या किया, यहाँ से हम निकाल ली आई ए, आई ए ये होगा 20 प्लस 2 कितना हो गया 22 एम्पीयर हो गया। ठीक है, तो ये बराबर क्या लिख लेते हैं, बी एल प्लस आई ए आर ए, वी ए का मान कितना है 250, आई ए का मान कितना है 22, आर ए का मान कितना आ गया 1 है। तो ये 250 प्लस 22 कितना 272 वोल्ट, हमारा जो है ई एफ कितना उत्पन्न हो रहा है 272 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ से उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट और एक और देख लेते हैं। डिसीशन जनरेटर 250 वोल्ट पर 400 एम्पीयर की धारा प्रदान कर रहा है, धारा प्रदान कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा आउटपुट से कितना दे रहा है, लोड करंट 200 दे रहा था 400 एम्पीयर, मतलब आई एल बराबर कितना दे रहा है, आई एल कितना दे रहा है, आई एल बराबर दे रहा है कितना 400 एम्पीयर की धारा प्रदान कर रहा है। देखिए जो कुछ देगा वो क्या होगा, सब लोड करंट, लोड वोल्टेज, लोड पावर हो जाएगा जो भी प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब शंट फील्ड एवं आर्मेचर के रेजिस्टेंस कितने हैं, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस कितना है 50 है, उसका कितना है 0.025 ओम है। फिर जनरेटर ई एफ क्या कीजिए, गणना कीजिए, भाई ई ए निकालना है। ठीक है, अब देखिए ई ए बराबर क्या होगा, बता चुके ई ए बराबर होगा हमारा आई ए आर ए प्लस बी ए। इसमें भी क्या होगा, आई ए नहीं पता है, सभी लोगों को पता है कि हम आई ए कैसे निकालेंगे, आई ए निकालेंगे यहाँ से केसीएल लगा दीजिए, देखिए आई ए बराबर क्या हो गया, आई ए प्लस आई एल हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना, आई एफ निकालना है, आई ए बराबर क्या होगा, बी एल अपॉन आर एफ, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज, और यहाँ से
स्पीड बैलेंसिंग का रेजिस्टेंस ये कितना आएगा आपका आएगा 5 इंच भाग देंगे यहाँ से यहाँ करके 5 इंच पर आ गया ठीक है ये हो गया आई एफ हो गया ठीक। अब देखिए आई एल निकालना है आई एल निकालने के लिए क्या करेंगे लोड करंट का मान आपको 400 पहले दिया गया है ये देखिए 400 दिया गया है आई एफ का मान यहाँ पे 5 आ गया कुल मिला कितना आ गया 405 वोल्ट सभी के मान इसमें रख करके क्या कीजिए हम ई ए निकाल लिए कितना आएगा 260.125 ठीक है वोल्ट ठीक ये मेरे ख्याल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है ये पूरा आपका न्यूमेरिकल लगा हुआ है उसको भी आप लोग देख लीजिए। एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाने का सबसे अच्छा तरीका सबसे देखिए गिवन क्या क्या आपको दिया है ठीक है उसके बाद डीसी शंट जनरेटर या डीसी शंट मोटर हो सीरीज मोटर हो सभी का सर्किट डायग्राम बनाइए तभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा और ना आपको न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप 2-4 बार लगा लेंगे तो आपको सर्किट डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये न्यूमेरिकल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए देखिए कितना आपको आंसर आएगा आइए का मान पूछा आइए का मान कितना है तो 342 एम्पियर आया लोड करने का मान पूछा 342 आपको एम्पियर आया हुआ है ठीक है मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला न्यूमेरिकल ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को समझाएंगे कि या पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में सी जनरेटर।